चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बासमती चावल के कुल निर्यात में 5-7% की कमी आने की आशंका है। ईरान ने बासमती चावल का आयात बंद कर रखा है, जबकि अन्य देशों की आयात मांग भी कमजोर है। हालांकि घरेलू मंडियों में नए पूसा बासमती धान 1509 के साथ ही 1121 के पुराने धान एवं इनके चावल के दाम तेज हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी कीमतों में मंदा आएगा। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया की माने तो बासमती चावल का निर्यात इस समय 15-17% पिछले साल की तुलना में कम हो रहा है। ईरान की अपनी फसल आने के कारण उन्होंने आयात को बंद कर रखा है, लेकिन वहां चावल की कुल उपलब्धता कम होने के कारण उम्मीद है कि ईरान नवंबर में आयात को खोल देगा। ऐसे में घरेलू बाजार से बासमती चावल के निर्यात में नवंबर से तेजी आने का अनुमान तो है, लेकिन कुल निर्यात पिछले साल की तुलना में 5-7% कम रह सकता है। चालू सीजन में पूसा 1509 के साथ 1121 किस्म के धान के उत्पादन अनुमान में कमी की आशंका के कारण स्टॉकिस्टों ने दाम तेज किए हैं। स्टॉकिस्टों के अनुसार चालू खरीफ में पूसा 1718 का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में अब मौसम साफ हो गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि आगे धान की आवकों में बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि चालू महीने में परमल की आवकों का दबाव रहेगा, साथ ही आगे डीपी, शरबती और सुगंधा धान की आवक भी बढ़ेगी। नवंबर में पूसा 1121 धान की आवकों का दबाव बनेगा। हरियाणा की करनाल मंडी के चावल कारोबार ने बताया कि सितंबर महीने में उत्तर भारत के राज्यों में लगातार बारिश होती रही थी, जिस कारण मंडियों में धान की आवक सामान्य की तुलना में कम रही। ऐसे में स्टॉकिस्टों की सक्रियता एवं राइस मिलों की मांग से मंडियों में पूसा 1509 किस्म के नए धान के साथ ही पूसा 1121 के पुराने धान की कीमतों में भी तेजी आई। इसीलिए धान के दाम तेज होने के कारण ही महीने भर में इनके चावल की कीमतों में करीब 600-900 रुपये प्रति क्विंटल की क्वालिटी अनुसार तेजी दर्ज की गई। बासमती चावल में निर्यात मांग कमजोर है, साथ ही स्थानीय मांग भी सीमित मात्रा में ही बनी हुई है। ऐसे में आगे इनकी कीमतों में गिरावट बन सकती है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 5 महीनों अप्रैल से अगस्त के दौरान बासमती चावल का निर्यात 17.02 लाख टन का ही हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इनका निर्यात 20.34 लाख टन का हुआ था। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 46.31 लाख टन का हुआ, जो कि मूल्य के हिसाब से 29,849 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि दिल्ली के नया बाजार में पूसा 1509 बासमती स्टीम चावल के भाव में 200 रुपए की तेजी आकर भाव 5,900 से 6,300 रुपए क्विंटल हो गया है, जबकि इसके सेला चावल के भाव 200 रुपए तेज होकर 5,400 से 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। इस दौरान पूसा 1121 बासमती चावल स्टीम के भाव 200 रुपए तेज होकर 6,300 से 6,700 रुपए और इसके सेला चावल के भाव 5,800 से 5,900 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। उत्पादक मंडियों में पूसा 1509 नए धान के भाव बढ़कर 3,000 से 3,150 रुपए क्विंटल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।